बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का 65वां जन्मदिवस 15 जनवरी को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने व्यापक पैमाने पर तैयारियों को पूरा कर लिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन को लेकर जो जिम्मेदारी जिसे सौंपी जाएगी वह उसका पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करेंगे। इस संदर्भ में मुख्य जोन कोऑर्डिनेटर डॉक्टर भारतेंद्र अरुण ने बताया कि इसमें किसी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मायावती का जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इसको लेकर सभी कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। तत्कालीन बसपा सरकार द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों के विषयों में लोगों तक कार्यकर्ताओं के माध्यम से जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस प्रदेश में, देश में दबे कुचले शोषित पीड़ितों की आवाज सिर्फ एकमात्र परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी का ये 65वां जन्मदिन है। इस जन्मदिन को हम लोग शुरू से बड़ी धूमधाम से मनाते हुए आए हैं और GIC ग्राउंड में हम लोग इस जन्मदिन को इस बार मना रहे हैं। लॉकडाउन का पूरा पालन करते हुए हमने परमिशन ली है। विधानसभा वाइज तैयारियां हैं। प्रत्येक सेक्टर से 200 अपने कार्यकर्ताओं को लाने का लक्ष्य है और हम पूरा GIC ग्राउंड में बड़ी धूमधाम से जन्मदिन मना रहे हैं। परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, राज्यसभा लोकसभा की सदस्य रही हैं, इस प्रदेश में और देश में गरीब शोषित दुखी परेशान पीड़ित लोगों की आवाज़ को बुलंद करती हैं। ऐसी नेता ऐसी रहवर परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का हम लोग 65वां जन्मदिन GIC मैदान पर 15 तारीख को बड़ी धूमधाम के साथ मनाएंगे, जिसमें उक्त कार्यक्रम में हमारे पूर्व सांसद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय मुनकाद अली साहब चीफ गेस्ट रहेंगे। उस कार्यक्रम में हमने प्रत्येक विधानसभा स्तर पर 1000 कार्यकर्ता पदाधिकारियों का टारगेट रखा है। प्रत्येक विधानसभा से हम लोग 1000 लोग GIC मैदान पर एकत्रित होकर के बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन मनाएंगे, जिसमें हम लोग आगामी जिला पंचायत के होने वाले चुनाव को लेकर के बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन पर हम लोग ये संकल्प लेकर के जाएंगे कि जनपद आगरा में जिला पंचायत का चुनाव होगा उसमें बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरेगी और जिला पंचायत अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी इस बार आगरा जनपद में बनाएगी। साथ ही साथ 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के जो हमारे चीफ गेस्ट निर्देश देंगे उसका भी हम लोग इसका पालन करेंगे और 2022 में हम लोग बहुत ताकत के साथ किस प्रदेश में निकल करके आएंगे, जिससे हम प्रत्येक कार्यकर्ता पदाधिकारी समर्थक का मान सम्मान वायुमान की रक्षा कर सकें।